गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ठीक है, वेरी गुड, ऑल आर गुड, वेरी गुड. ओके, सो आर यू एक्साइटेड? वाओ, अच्छा, आपको पता है कि मैम ने एक्टिविटी करवानी करवानी है ना, तो सभी पहले से रेडी हो. गुड, अच्छे से रेडी हो लो. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे एक्टिविटी, आपको बताती हूँ. पहले आप ही बताओगे मुझे. ये देखो, मैम के पास चौक है. ये चौक कैसा है? जब हम उस पर हैंड लगाते हैं, स्मूथ लगता है ना? स्मूथ है ना? ऐसे ही देखो, ये स्केच है. अगर स्केच को भी हैंड लगाएंगे, स्मूथ है ये, है ना? ये भी स्मूथ है. अगर आप इस जिप को हैंड लगाओगे, ये जिप है ना मैम की, इसको हैंड लगाओगे तो जो इसका है ये आपको स्मूथ लगेगी? नहीं, ये तो उबड़ी खुबड़ी सी है ना, अलग अलग सी है ऐसी. इसका टेक्सचर, इसको बोलते हैं टेक्सचर. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? टेक्सचर. कि इसका टेक्सचर ऐसा है कि आपके हाथों में लगता है ना, हैंड लगाने पे. बट इसका टेक्सचर ऐसा है कि ये आपको स्मूथ लगता है ना. ऐसे बेटा क्लोथ्स में भी टेक्सचर होते हैं ना. कुछ क्लोथ्स होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ कैसे, हर एक का अलग अलग टेक्सचर होता है. ठीक है, आज हम क्लोथ्स के टेक्सचर के बारे में सीखेंगे. ठीक है, मेरे पास तीन क्लोथ्स हैं. आई हैव थ्री क्लोथ्स. फर्स्ट देखो, ये सिल्क है. ठीक है, ये सिल्क है. सिल्क हल्का सा, ये देखो हल्का सा हाथों में लगता है, इसको पता चलता है ये सिल्क है. सेकंड देखो, कॉटन सॉफ्ट है पर बिल्कुल सीधा जा रहा है, सॉफ्ट. द लास्ट वन इज वेलवेट, या इसको फर वाला फैब्रिक कहते हो. देखो बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे टेडी बियर होता है ना. ठीक है, ये ऐसा है. तो मैंने यहाँ देखो थ्री कंटेनर्स लिए हैं. तो थ्री कंटेनर्स में, तो यहाँ देखो मैंने थ्री क्लोथ्स रख दिए. अब आपने इस क्लोथ को फर्स्ट वाले को टच करना है बॉक्स में. देखो इस बॉक्स को, बॉक्स आपके पास है, बॉक्स में ले लो. अदरवाइज देखो मैंने ग्लास में डाल लिया, तो यहाँ पे मैंने टच किया. अब इसका टेक्सचर किस जैसा है, तो टच करके देखो, इसके जैसा है? नहीं, इसके जैसा तो नहीं लग रहा. इसके जैसा है? इतना सॉफ्ट भी नहीं है. यस, ये इसके जैसा है. तो हम निकाल के देखेंगे. यस, ये तो इससे मैच करता है. अब नेक्स्ट में मैंने हैंड डाला है ना, तो वो थोड़ा कैसा है? मैंने आपको सिल्क दिखाया था ना, तो सिल्क जैसे मुझे लग रहा है ना. आप भी देखो कैसा लग रहा है, थोड़ा सा रफ लग रहा है इसका सरफेस. तो इस यहाँ देखो किसका सा सरफेस थोड़ा सा रफ है, ये तो बहुत सॉफ्ट है. इसका है थोड़ा सा, है ना. तो ये हम दिखा देखते हैं, निकाल के ये किसके साथ मैच करता है. यस, इसके साथ मैच हो गया. अब नेक्स्ट, लास्ट लास्ट को भी हम पहले टच करेंगे कैसा है इसका टेक्सचर. ये तो बहुत सॉफ्ट है, लाइक अ टेडी बियर. तो ये तो इसके साथ मैच करता है, लाइक अ टैडी, इसका सॉफ्ट. ठीक है, तो ऐसे ही बेटा क्लोथ्स के डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर होते हैं. हर एक जगह का टेक्सचर होता है. अब आप, अगर आपके पास पत्थर है, कोई रॉक है, जब आप रॉक को हाथ लगाओगे तो वो स्मूथ नहीं होता ना, उसका टेक्सचर अलग होता है. फर्श होते हैं, फर्शों का टेक्सचर अलग होता है. ठीक है, हर एक चीज़ का टेक्सचर होता है. ठीक है, अब आप देखो मेरे पास ये कर्टन्स हैं. अगर प्लेन होंगे तो वो स्मूथ जाएंगे. अब इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन है. ठीक है, कोई प्लेन होते हैं, कोई स्मूथ होते हैं. अब ये क्लोथ देख लो, इसका टेक्सचर अलग है. ठीक है, हर एक का टेक्सचर हैंड लगाने पे आपको महसूस होगा कि ये कुछ और है और वो कुछ और है. लाइक ये सिल्क मटेरियल से रेफर कर रहा है, जैसे मैंने सिल्क मटेरियल टच किया था, ऐसे इसका मटेरियल भी सिल्क के जैसा ही सेम लग रहा है मुझे, जैसे मैंने सिल्क को टच किया था. तो ये भी सिल्क का ही है. तो आपको टेक्सचर से, हैंड लगाने से पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है. ठीक है, तो आप घर पे भी ट्राई करोगे. अब आप घर पे जाके क्लोथ्स देखना. आप देखो ये जो है, देखो इस कोट का टेक्सचर कैसा है, बिल्कुल स्लिपरी है ना, बिल्कुल स्लिपरी है. और इसका कैसे है, थोड़ा सा रफ है ना. इसका टेक्सचर अलग है, इसका टेक्सचर अलग है. हर एक चीज़ का टेक्सचर डिफरेंट होता है. घर में जाके आप सबका टेक्सचर देखना और आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सी चीज़ है. अच्छा लगा आपको? हाँ, वेरी गुड. अब आप ऐसे ही, आपने भी ये देखना है कंटेनर में से निकाल के कि कौन सा किसके साथ क्लोथ मैच करता है. ठीक है बेटा, तो अच्छी लगी आपको एक्टिविटी? ओके, चलो, वी विल कम विद द नेक्स्ट एक्टिविटी टुमारो. ओके, बाय बाय, टेक केयर.